हाय फ्रेंड, मैं मनोज पांडे आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग पॉइंट पर। और दोस्तों, साप्ताहिक करंट अफेयर और साथ में सभी टॉपिक के ऑब्जेक्टिव क्यूज पाने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बने बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे मेरे आने वाली अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। और इस वीडियो में मैंने भूगोल के कुछ प्रश्नों को लिया हुआ है, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो का पहला प्रश्न, चिरिया लोक खाद्यान्न कॉम्प्लेक्स किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन चार हैं, पहला बिहार, दूसरा छत्तीसगढ़, तीसरा झारखंड और चौथा उत्तर प्रदेश। तो इसका आंसर नंबर सी झारखंड सही हो जाएगा। चिरिया लोक खाद्यान्न कॉम्प्लेक्स झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले में स्थित है। यह चिरिया लोक खदान भारत की सबसे बड़ी लोह अयस्क खदान है। यहाँ पर 2000 मिलियन टन का लोहा अयस्क भंडार मौजूद है। इस खदान में भारतीय स्टील प्राधिकरण द्वारा काम किया जाता है। दूसरा प्रश्न, मंगल शब्द किस प्रकार की वनस्पति के लिए इस्तेमाल किया जाता है? ऑप्शन चार हैं, पहला जलीय पौधे, दूसरा है मैनग्रोव, तीसरा है अलगम ब्लूम्स और चौथा है भूसागरीय वन। तो आंसर नंबर इसका बी मैनग्रोव सही हो जाएगा। मैनग्रोव एक किस्म का झाड़ी नुमा पौधा होता है। इस प्रकार की वनस्पति दलदल युक्त स्थानों पर पाई जाती है। भारत में सुंदर वन में मैनग्रोव पाए जाते हैं। तीसरा प्रश्न, लौह तत्व मात्रा के आधार पर कौन सा लोहा सर्वश्रेष्ठ होता है? पहला है मैग्नेटाइट, दूसरा है हेमेटाइट, तीसरा है लिमोनाटाइट और चौथा है सिडराइट। तो आंसर नंबर इसका ए मैग्नेटाइट सही हो जाएगा। मैग्नेटाइट के बाद हेमेटाइट, लिमोनाइट और सिडराइट की गुणवत्ता थोड़ी थोड़ी कम हो जाती है। चौथा प्रश्न, सुंडा ट्रेंच किस सागर या महासागर में स्थित है? ऑप्शन चार हैं, पहला हिंद महासागर, दूसरा प्रशांत महासागर, तीसरा अटलांटिक महासागर, चौथा अरब सागर। तो आंसर नंबर इसका ए हिंद महासागर सही हो जाएगा। सुंडा ट्रेंच को जावा ट्रेंच भी कहा जाता है। यह इंडोनेशिया के सुमात्रा के निकट हिंद महासागर में स्थित है। पांचवा प्रश्न, अमरावती, अर्कावती, भवानी, चिन्नर, हेमावती, हुनहोल और काबिनी किसकी सहायक नदियाँ हैं? ऑप्शन चार हैं, पहला कावेरी, दूसरा कृष्णा, तीसरा गोदावरी, चौथा नर्मदा। आंसर नंबर इसका ए कावेरी सही हो जाएगा। कावेरी नदी पश्चिमी घाट में कर्नाटक से निकलती है। इसकी कुल लंबाई 765 किलोमीटर है। छठवां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस दशक में भारत की जनसंख्या दर नकारात्मक थी? ऑप्शन चार है, पहला 1901 से 11 तक, दूसरा है 1921 से 1931 तक, तीसरा है 1921 से 1931 तक, चौथा है 1911 से 1921 तक। इसका ऑप्शन नंबर डी 1911 से लेकर 1921 तक सही हो जाएगा। 1901 से लेकर 1921 के दशक के दौरान भारत की जनसंख्या दर काफ़ी स्थिर थी। इसी कारण इसे 1911 से 1921 के बीच जनसंख्या विकास दर नकारात्मक रही। सातवां प्रश्न, एक घंटे के अंतर के लिए कितने देशांतर की आवश्यकता होती है? ऑप्शन चार हैं, 10 डिग्री, दूसरा है 15 डिग्री, तीसरा है 20 डिग्री, चौथा है 25 डिग्री। तो आंसर नंबर इसका बी 15 डिग्री सही हो जाएगा। सामान्यतः 15 डिग्री देशांतर पर समय में एक घंटे का अंतर होता है। आठवां प्रश्न, पश्चिम बंगाल में स्थित कूच बिहार किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन चार है, पहला कपास कपड़ा उद्योग, दूसरा है रेशम उद्योग, तीसरा है पेट्रोलियम उद्योग और चौथा है सीसा उद्योग। तो इसका ऑप्शन नंबर बी रेशम उद्योग सही हो जाएगा। कूच बिहार जिला पश्चिम बंगाल में स्थित है। इसका कुल क्षेत्रफल 3387 वर्ग किलोमीटर है। नौवां प्रश्न, भारत और बांग्लादेश के बीच फरक्का बांध विवाद किस नदी जल के बंटवारे को लेकर है? ऑप्शन चार है, पहला गंगा, दूसरा ब्रह्मपुत्र, तीसरा तिस्ता और चौथा दामोदर। तो आंसर नंबर इसका ए गंगा सही हो जाएगा। फरक्का बांध पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में गंगा नदी के किनारे पर स्थित है। यह बांग्लादेश सीमा से लगभग 16.5 किलोमीटर दूर है। यह बांध 1972 में बनकर तैयार हुआ था। दसवां प्रश्न, भारत में नूनमती नामक स्थान किस लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन चार हैं, पहला नमक उद्योग, दूसरा पेट्रोलियम उद्योग, तीसरा कागज उद्योग और चौथा कपड़ा उद्योग। तो इसका आंसर नंबर बी पेट्रोलियम उद्योग सही हो जाएगा। इस स्थान पर इंडियन ऑयल कंपनी द्वारा पहला तेल संशोधन कारखाना शुरू किया गया था। और दोस्तों, आपके लिए क्वेश्चन है, मुझे आप कमेंट बॉक्स में उसका आंसर बताइएगा। यह किस राज्य के किस जिले में स्थित है? नूनमती नामक स्थान किस राज्य के किस जिले में स्थित है? इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो दोस्तों, ये रही आज की वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आज के लिए थैंक यू फ्रेंड।